यानी इफ्तार का टाइम हो जाए तो ताखिर न किया जाए, अगर 5:02 पर अजान का टाइम हो गया है, इफ्तार का टाइम हो गया है तो 5:02 पर हम खजूर खा लें, पानी पी लें, हम 5:05 का इंतज़ार न करें, 10 मिनट का इंतज़ार न करें। तुम अल्लाह के रास्ते में चंदा दे रहे हो, दान दे रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, तुम्हारे चंदे का मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए, किसी को ऊंचा करने के लिए तुम चंदा ना देना। रियाकारी और दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर तुमने नमाज पढ़ी लेकिन तुम्हारी नमाज का मकसद दूसरों को दिखाना होगा तो वो नमाज तुम्हारे मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीनहुम युराऊन। बर्बादी है, जहन्नम है, वैल है ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में उनका मन नहीं लगता, नमाज में उनका दिल नहीं लगता, वो नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीनहुम युराऊन जो नमाज के अंदर दिखावा करते हैं, जो दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह को इखलास पसंद है मेरे भाई, अल्लाह के यहां मिलावट वाली इबादत नहीं चलेगी। जो भी इबादत हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब मुनाफिक लोग नमाज पढ़ते थे, अच्छा बड़े मजे की बात यह है कि नबी के दौर में मुनाफिकों को भी नमाज पढ़ना पड़ता था, क्योंकि नबी के दौर में कोई मुसलमान समझा ही नहीं जाता था अगर वो नमाज नहीं पढ़ता था, अगर कोई मस्जिद में नहीं आता था लोग समझते थे लगता है उसने इस्लाम को छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई मुसलमान हो और वो नमाज ना पढ़े। मुनाफिकों को भी नमाज पढ़ना पड़ता था, लेकिन मुनाफिक लोग कैसे नमाज पढ़ते थे, अल्लाह ने नक्शा खींचा वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। ये मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए उठते हैं तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, बड़ी काहिली करके उठते हैं। युराऊनन्नास ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला और ये अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। अल्लाह को रियाकारी नहीं चलेगी मेरे भाई। अल्लाह हमारे शरीर को नहीं देखता, अल्लाह हमारे माल को नहीं देखता, अल्लाह हमारे दिल को देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने हैंडसम हो, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिलों के अंदर कितनी सच्चाई है, तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का कितना डर है। अगर आपकी नीयत सही हो, अगर आपका दिल सही हो तो नेकी करने के बगैर भी आपको नेकी का सवाब मिल जाएगा, अगर आपकी नीयत सही होगी। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिहि मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिहि सुम्म युद्रिकुहुल मौत फकद वका अजरुहु अलल्लाह। अगर कोई इंसान अपने घर से निकला था हिजरत करने के लिए, अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ के जा रहा था, अपना शहर छोड़ के जा रहा था अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए वो हिजरत करके जा रहा था और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई, फकद वका अजरुहु अलल्लाह, तो उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। बुखारी की पहली हदीस पता है कि नहीं पता है, बोलो भाई। तलबा से नहीं पूछ रहा हूं, उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, आम आदमी बताए। सुने हो कभी बुखारी की पहली हदीस? अगर अहले हदीस हो और बुखारी की पहली हदीस याद नहीं है तो अफसोस की बात है। हां इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारे चचा ने जवाब दिया। पहली हदीस बुखारी शरीफ की, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो हदीस के रावी हैं।
फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर आपकी नियत ही सही नहीं है, आपका मकसद ही सही नहीं है, तो आपका अमल भी अल्लाह के यहाँ बर्बाद हो जाएगा। सारे अमाल का दारो मदार नियत पर है। वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइ मा नवा, और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। फमन कानत हिजरतहु इला दुनियन युसीबुहा अव इमरातियन कि हुआ फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैही। पाकुड़ शहर, पाकुड़ को छोड़ करके आपके पाकुड़ का रहने वाला कोई इंसान मुंबई में जाकर के रहता है, कलकत्ता में जाकर के रहता है, बेंगलोर में जाकर के रहता है, दिल्ली में जाकर के रहता है, उसका मकसद किसी लड़की से शादी करना है, उसका मकसद वहां जाकर के पैसा कमाना है। और एक इंसान अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाता है इसलिए कि वो अपने शहर में नमाज नहीं पढ़ पाता, वो इस्लाम पर अमल नहीं कर पाता, वो अपने शहर से हिजरत कर जाता है, अपने वतन को छोड़ के चला जाता है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए। काम तो सेम है, लड़की से शादी करने जो जा रहा है वो भी तो वतन को छोड़ के जा रहा है, जो कारोबार करने के लिए और पैसा कमाने के लिए जा रहा है वो भी तो वतन छोड़ के जा रहा है। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दोनों की नीयत में फ़र्क है। जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ के जा रहा है उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, जो लड़की के लिए जा रहा है, जो पैसे के लिए जा रहा है, उसको हिजरत का सवाब मिलने वाला नहीं है। शरीयत में नियत का बड़ा रोल है मेरे प्यारे साथी। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो जब सुनाने लगते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। इस हदीस को सुनाने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं, होश आता है, फिर अल्लाह के नबी की यह हदीस सुनाने की कोशिश करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। लगातार तीन बार बेहोश होते हैं। तीसरी बार जब होश आता है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि ओ लोगों, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन्नास तुसअरु बिहिमुन नारु यौमल क़ियामा, सबसे पहले कयामत के दिन जिन लोगों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा और जिनके जरिए जहन्नम की आग को सुलगाया जाएगा, जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा, वो तीन लोग होंगे। नंबर एक, रजुलुन उस्तुशीदा फी सबीलिल्लाह, पहला आदमी वो होगा जो अल्लाह की राह में दुनिया में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जंग कर रहा था, जो जिहाद कर रहा था, जो किताल कर रहा था और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको बहादुर बनाया, तुझको लड़ने का हुनर दिया, मेरे बंदे तूने क्या किया? बंदा कहेगा, कातल तू फी कहतुशीद तो, अय अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ता था, जंग करता था, किताल करता था, हतस्तुशीद तो, यहां तक कि मैं शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए नहीं लड़ता था कि अल्लाह को राजी करे, अल्लाह को खुश करे, तू तो इसलिए लड़ता था, ले युकाल इन्नहु जरीउन, ताकि दुनिया तुझे बहादुर कहे, दुनिया तुझे वीर कहे, तुझे वीरता का सम्मान मिले, तू तो अपने मेडल के लिए और अपने इनाम के लिए और अपनी शोहरत के लिए लड़ा करता था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। अब उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा, उसको घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा।